वेलकम टू द एजुकेटी, दिस इज रोचक बंसल। गाइज, हम एक और आज मैप कवर करेंगे क्लास 10 का, जो है हमारा, जिसका टॉपिक रहेगा मेजर सी पोर्ट्स। मेजर सी पोर्ट्स गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आता ही आता है ये, और अक्सर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत होती है क्योंकि कुछ इसके नाम इस तरह के हैं पोर्ट्स के। तो आज मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, जिनके लिए मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा ताकि आपको ये याद रह सके। गाइस, स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे जो सीबीएसई सिलेबस के अंदर है ज्योग्राफी में, टोटल 11 पोर्ट्स हमें दिए गए हैं। कुछ स्कूलों में वैरी कर सकते हैं, कईयों में 10 कराए होंगे, 9 कराए होंगे या 12 भी कराए होंगे, लेकिन जो मेजर हमारे इसमें आते हैं वो हैं हमारे पास 11 सी पोर्ट्स। तो आज हम वो सारे 11 सी पोर्ट्स कवर करेंगे। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, आइए। सबसे पहला जो हमारा सी पोर्ट आता है वो आता है कांडला। कांडला कहाँ है? ये आपका गुजरात में है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, गुजरात में जो आपका ये बाउंड्री वाला है, जो सी के साथ लगता है, इसका जो एरिया है, बाउंड्रीज हैं जो अंदर की तरफ मुड़ी हुई हैं। अगर आप यहाँ देखें ऊपर वाले पार्ट में, एक डाइवर्जन हमें यहाँ पे दिखाई देता है। आप ध्यान से देखिएगा, एक डाइवर्जन आपको दिखाई देता है। ये वी शेप देखो आप बना हुआ है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऐसे बाउंड्री से वी शेप बनता है। बस ये वी शेप है ना जो आपका, ये है आपका पोर्ट कांडला। क्या नाम है इस पोर्ट का? कांडला। ये आपका नंबर वन पोर्ट है। नंबर टू आपका आता है मुंबई। मुंबई सबको पता है, मैप में मार्क होता ही, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं यहाँ पे मुंबई। थर्ड जो आता है आपका आता है मरमगांव। मरमगांव कहाँ है आपका? ये कर्नाटका में। ये देखिए गोवा जो है, एक छोटा सा स्टेट है हमारा, ठीक है। गोवा के पास आप देखिए, गोवा की जो ये साउथ की बाउंड्री है, साउथ गोवा की जो बाउंड्री कर्नाटका में अंदर आके टच करती है, बिल्कुल आप इसके साथ बना सकते हैं। ये है आपका कौन सा पोर्ट? थर्ड पोर्ट, जिसका नाम है मरमगांव। ये आपका कर्नाटका में है। कर्नाटका में ही आपका एक और है, फोर्थ पोर्ट, जो है न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर कहाँ है? जो केरला की बाउंड्री ऊपर, नॉर्थ केरला की बाउंड्री कर्नाटका में टच होती है, साउथ कर्नाटका में जो नॉर्थ केरला की ऊपर की जो बाउंड्री टच हो रही है, इसके अंदर, बस ये कर्नाटका के अंदर टच होने के साथ ही आप बना सकते हैं यहाँ पे। इसका नाम है न्यू मैंगलोर। ये आपका फोर्थ जो इम्पोर्टेंट वो है सी पोर्ट, वो है न्यू मैंगलोर। गाइज, ये मरमगांव है और न्यू मैंगलोर है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले मैं आपको एक बार ये पूरा मैप करा दूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा बेसिकली कौन से जो तीन चार पोर्ट्स हैं जिनके आने की सबसे ज़्यादा वो रहती है, पॉसिबिलिटीज जिनकी रहती है एग्जाम में आने की। न्यू मैंगलोर हमने चौथा पोर्ट किया। पाँचवा पोर्ट हमारा आता है कोची। कोची कहाँ है? कोची आपका केरला में है। ध्यान से देखिए, केरला की ये जो डाइवर्जन अंदर बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री अंदर की तरफ डाइवर्ट हो रही है, आप ये देखिए, ये बाउंड्री, ये जो अंदर डाइवर्ट हो रही है डायरेक्ट इस वी शेप के बाद, जो ये शेप बन रही है, बिल्कुल आप इसके सामने इधर की तरफ अपोजिट साइड में बना सकते हैं पोर्ट। इसका क्या नाम है? कोची। कोची के बाद आता है आपका सिक्स्थ पोर्ट, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्लेस है, आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि आपका मेजर सी पोर्ट तो है ही है। साथ में 10th क्लास में ही ज्योग्राफी में सीबीएसई ने इसको थर्मल पावर प्लांट का एक जो मैप है उसमें भी इसको इंक्लूड किया हुआ है। तूतीकोरिन में एक थर्मल पावर प्लांट भी है। तूतीकोरिन का है आपका, ये आपका तमिलनाडु है। इसका साउथ साइड देखिए, जैसे आप साउथ से ऊपर की तरफ चलना शुरू करेंगे, एक एक कर्व आता है बाहर की तरफ निकला हुआ। बेसिकली ये बाउंड्री अंदर आती है और ये जो उसके बाद ये बाहर निकल जाता है। तूतीकोरिन आपका एग्जैक्ट जो ये कर्व स्टार्ट होता है यहाँ पे है, तूतीकोरिन। गाइज, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट भी है, तो चाहे थर्मल आए चाहे न्यूक्लियर आए, इसके आने के चांस ज्यादा रहते हैं। तूतीकोरिन इसका नाम है। देन आता है आपका सेवन्थ जो है वो है चेन्नई। चेन्नई आपका यहीं तमिलनाडु में कैपिटल है ही, सभी को पता है, तो बहुत ईजिली आप इसको फिलअप कर सकते हैं। चेन्नई के बाद आपका एट्थ आता है, वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आपका कहाँ है सी पोर्ट? देखिए आप अपना ये वाला पार्ट देखिए, आंध्र प्रदेश का ये जो बाउंड्री है, जो टर्न लेने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं ऊपर, तो ये कट आता है यहाँ पे। जस्ट इस कट के बाद आप यहाँ पे इसको, ये जो सी का एक बना हुआ है, जो डाइवर्जन एक बना हुआ है, जस्ट इसके बाद आप यहाँ पे इसको फिल कर सकते हैं। ये है आपका कौन सा? विशाखापट्टनम। सीपोर्ट विशाखापट्टनम। नाइन्थ हमारा जो आता है वो आता है पैराद्वीप।
पैरादीप कहाँ पे है ये आपका देखिए, ओडिशा के पास है। ओडिशा के पास आप ये देखिए जो ये बाहर निकला हुआ डाइवर्जन है, एक ये ऐसा सा बना हुआ है यू शेप में, जस्ट इसके बाद आप आगे चलेंगे तो ये बाहर जो एक डाइवर्जन निकला है जस्ट इसके पहले आप बना सकते हैं, ये आपका कौन सा है, पैरादीप। ठीक है गाइस, ये आपका 9th हो गया है। अब आता है 10th हमारा, हल्दिया। हल्दिया कहाँ है बड़े ध्यान से देखिएगा, हल्दिया और कोलकाता ये आसपास है दोनों पोर्ट। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मैं बताता हूँ। हल्दिया ध्यान से देखिए, ये जो है कोलकाता के पास, ये वी एक शेप बनी हुई है माउंटेन की तरह, एक टिप निकली हुई है। ये टिप और ये जो बाउंड्री है इन दोनों के बीच में यहाँ आप बना सकते हैं, ये आपका जो पोर्ट जाएगा ये है हल्दिया। क्या नाम है इस पोर्ट का, हल्दिया। ये आपका 10th पोर्ट है। और कोलकाता पोर्ट कहाँ है, कोलकाता पोर्ट है जो आपका वी शेप है ना, जस्ट इसका जो ये डॉट है, कई बच्चे क्या करते हैं इसको मार्क करते हैं, नहीं ये कोलकाता सिटी है, आपका शहर है जो आपका लैंड मार्क के ऊपर है, अंदर है। वी आर टॉकिंग अबाउट पोर्ट, तो पोर्ट हमेशा सी के बिल्कुल साथ होता है। तो जो वी वी शेप का जो टिप निकला हुआ था, हम इसके बिल्कुल पास भरेंगे अपना कोलकाता। तो गाइज ये थे आपके मेजर 11 सी पोर्ट्स जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कांडला गुजरात में आपका है जो ये बाउंड्री है इसके पास, देन मुंबई आपका आता है, सबको पता है मुंबई कहाँ है, मौरमे गांव, मौरमे गांव है आपका गोवा के पास। ठीक है, उसके बाद आपका आता है गोवा के पास, ये आप नीचे करेंगे तो कर्नाटका में है, न्यू मैंगलोर आपका कर्नाटका में, केरल से ऊपर, देन कोची, देन तूतीकोरिन, चेन्नई है, चेन्नई के बाद विशाखापट्टनम आपका यहाँ पे है, पैरादीप उड़ीसा में है, और उसके बाद हल्दिया और कोलकाता। गाइज इसमें मेजर जो आते हैं मर्मगांव, न्यू मैंगलोर, तूतीकोरिन और विशाखापट्टनम। ठीक है, ये बहुत मेजर हैं जो पूछे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच। और इसका जो डिस्क्रिप्शन आप हमारा वीडियो का देखिएगा, मैं इसका मैप का जो है लिंक हमारे फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूंगा मैं, वो लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आपको किसी और मैप में प्रॉब्लम है या किसी और टॉपिक में अगर आपको दिक्कत है तो आप फॉर श्योर हमें कमेंट बॉक्स में पर्सनल मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।